हे गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप्स की फ़ोटो एडिटिंग। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेस को ब्राइट कैसे कर सकते हो और अपने बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा ब्लू कलर कैसे ऐड कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना और जो आपकी फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाले इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है और जो कॉन्ट्रास्ट वाला इफेक्ट है ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसकी सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं करना है और यहाँ से आपको इसको डन कर लेना है। और फिर हमें इसको अपने फेस से और मॉडल से हटाना है, तो इसके लिए हम इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करेंगे और इस वाले ब्रश पर आपको क्लिक कर लेना है और फिर आपको इसे इन्वर्ट करना है और इसको आपको अपने मॉडल से और फेस से हटा लेना है कुछ इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से आपको हटा लेना है और जूम कर लेना है बिल्कुल और कुछ इस टाइप से धीरे धीरे से सही तरीके से आपको इसको हटा लेना है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट हटा लेता हूँ। तो आपको कुछ इस टाइप से हटा लेना है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है और फिर यहाँ से आपको कट करना है और अगेन आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाले सिलेक्टिव वाले टूल में आ जाना है और यहाँ से आपको इसको अपने फेस को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेना है और जहाँ पर ब्लैक हो वहाँ पर आपको ऐड कर लेना है और कुछ इस टाइप से ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज़ कर लेना है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है और अगेन आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिटेल्स वाले पर आपको क्लिक कर लेना है और इसकी डिटेल्स आपको बढ़ा लेनी है ताकि HDR वाला लुक आ जाए और फिर यहाँ से डन कर लेना है और अगेन आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको इस बार आ जाना है यहाँ पोर्ट्रेट वाले पर और इसमें आने के बाद आपको ये स्मूथ टू वाला आपको सिलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और इसकी स्मूथनेस को आपको इतना सा बढ़ा देना है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। अगेन आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको आ जाना है टेक्स्ट वाले में और ये L2 वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको स्क्रीन पर दो बार टैप करना है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर टेक्स्ट का आ जाएगा और फिर यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो मैं क्यूट लिख देता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ क्वीन, तो ये मैंने लिख दिया। और आपको वाइट कलर को सिलेक्ट करना है और कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको सेट कर लेना है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद अगेन आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको इस वाले में आ जाना है वाइट बैलेंस में और यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करना है तो कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना। तो फिर यहाँ से डन करना है और अगेन आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस बार आपको ये कर्व वाले टूल में आ जाना है और यहाँ से आपको ब्लू कलर ऐड करना है, तो ब्लू वाले में आना है और कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। तो इसको हमें फेस से इरेज करना है, तो इसके लिए आपको इस वाले एरर पर क्लिक करना है और व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है, कर्व वाले पर क्लिक करना है और इस इरेजर वाले पर आपको क्लिक कर लेना है और फिर आपको इस यहाँ पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट कर लेना है और इसको हमें कुछ इस टाइप से फेस से हटाना है और हैंड से भी हटा लेना है, बिल्कुल आपको अपनी स्किन से हटा लेना है, जहाँ पर स्किन है वहाँ से आपको हटा लेना है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको हटा लेना है और फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद ब्लू कलर थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसके लिए हमें इस वाली फ़ोटो को लाइटरूम में शेयर करना है। तो यहाँ से मैं सेव वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, शेयर पर क्लिक करता हूँ और इस वाली फ़ोटो को मैं यहाँ से लाइटरूम में शेयर कर देता हूँ। तो देख सकते हो लाइटरूम में मैंने अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कलर वाले टूल में आ जाना है और इसके वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि हमें ब्लू कलर को थोड़ा सा डार्क करना है, तो वाइब्रेशन को बढ़ाना, फिर मिक्स में आना और यहाँ से आपको आ जाना है
आपके लिप वाले कलर में, तो इसको बढ़ा देना है और इसकी व्यू को चेंज कर देना है कुछ माइनस, और फिर आपको ऑरेंज कलर में आना है और इसकी सेचुरेशन को डाउन करना है और लेमिनेशन को इंक्रीज़ कर लेना है, तो फेस थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। और फिर हमें डायरेक्ट ब्लू कलर में आ जाना है और इसमें आपको इसको बढ़ा लेना है सेचुरेशन को, और इसको आप जहाँ पर चाहो वैसे सेट कर सकते हो, और फिर यहाँ से डन कर लेना है और इसकी क्लैरिटी को आपको इंक्रीज़ कर लेना है, तो वो थोड़ा सा है जो एकदम HDR में हो जाएगा, और विग्नेट को थोड़ा सा कम कर लेना है। और फिर आ जाना है आपको इस वाले में और नॉइस रिड्यूसिंग को इंक्रीज़ करना है और कलर नॉइस को इंक्रीज़ कर लेना, जिससे ये फेस पर जो अलग कलर है वो थोड़ा सा स्मूथ में बदल जाएगा। तो देख सकते हो हमारी फ़ोटो में जो कलर था ब्लू कलर वो एकदम डार्क हो गया है। तो सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना और सेव टू डिवाइस करके इस वाली फ़ोटो को सेव कर लेना।